खिलाड़ी कुमार और बागी की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में बात करेंगे। मुझे समहाउ समझ में नहीं आता है कुछ हेटर्स का यार, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टाइटल ट्रैक आपको कैसे नहीं आ सकता है भाई पसंद। आई मीन टू से मैंने कल खुद 3 बार सुना, अभी भी 2 बार मुझे सुनने का मन किया, अभी भी वो कान में घूम रहा है। कोई रीज़न चाहिए यार इनको बस, क्योंकि ठीक है भाई मुझे समझ में नहीं आया कि अब मुझे पसंद आया था भाई उस टाइम पे भी मैं बोला था हाँ ठीक है वो मस्त मलंग झूम डेफिनेटली मैं कहूँगा मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आया, पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो BGM वगैरह है ना ये मूवी में क्या तगड़ा लगेगा यार। इमेजिन करो यार IMAX में देख रहे हो आप फिल्म। एनीवेज और वो जो हाँ वो एक जो सॉन्ग है वो उतना खास नहीं लगा था मुझे, ठीक है वो अरेबिक वर्जन है उन मतलब वो एक अरेबिक स्टाइल लिया है, बट ये 2 सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। हाँ अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो विशाल का जो सॉन्ग आया लास्ट जो रोमांटिक सॉन्ग है उसको लेके बोले कि भाई उनको वो पसंद आया, अपना अपना चॉइस होता है यार। मुझे ये 2 सॉन्ग बहुत पसंद आए, जो पहले उन दोनों ने जो 2 रिलीज़ किए ना उन्होंने वही मुझे बहुत पसंद आए थे एक्चुअली। एनीवेज चलो उस टॉपिक पे अभी नहीं कर रहा हूँ मैं बात। ओवरसीज़ का जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई USA और UAE का एडवांस बुकिंग बड़े मियाँ छोटे मियाँ का क्या हुआ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि यार आंकड़े नहीं आए हैं अभी तक। ये जो देखो ऐसे बहुत सी साइट्स होती है जो आपको फेक आंकड़ा देती है, और जहाँ पे मैं कुछ 2-3 साइट्स पे देखा वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगे मुझे। वो ओवरऑल कुछ उनका कहना है ट्विटर पे 3.5 लाख और एक जगह पे 17 लाख, तो नंबर्स मैच ही नहीं कर रहे ना, तो आप कैसे कह सकते हो। ओवरसीज़ का जो एडवांस बुकिंग खुला भी होगा ना वो एक्यूरेट नहीं है भाई। और ओवरसीज़ का देखो एडवांस बुकिंग की खासियत यही रहती है कि आप ओवरसीज़ से भी उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ बड़ी फिल्म का करना चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट मैं सीधी बात बोलूँ तो आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। तो भाई कोई भी यूट्यूबर आपको कुछ भी पहलेगा तो उस पर बिलीव मत करो, एट प्रेजेंट तो वैसा आंकड़ा ऑफिशियल तरीके से कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, वरना दिख जाता है। तो एट प्रेजेंट शायद कम होगा, हाँ मतलब जो इन्होंने बोला है रेंज 5 लाख से 17 लाख या 3 लाख से 17 लाख वाला शायद उसी के इर्द गिर्द होगा, लेकिन बहुत कम। ओवरसीज़ में कौन बोला भाई फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग शुरू हुआ है, कुछ नहीं है, बहुत कम जगह पे। जैसे भारत में भी जब एडवांस बुकिंग शायद 2 या 3 तारीख को खुलने का एक अपडेट था मेरे पास, तो अभी वो कितना सही है कितना नहीं वक्त बताएगा, पर वो भी बहुत जल्दी फुल फ्लेज नहीं होगा। वो फुल फ्लेज को वक्त लगेगा आई थिंक, अगर भारत में एडवांस बुकिंग शुरू हो गया, कुछ जगह पे तो हुआ है शायद मैंने सुना है, पर फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग खुलने में अभी वक्त लगेगा यार। ओवरसीज़ का भी हुआ नहीं है यार अभी तक। बट मूवी भाई मैं मुझे जो लग रहा है ना कि मूवी का जो अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, एक मिनट ना मैं आपको बता दूँ कि इसका भी बुक मैच होगा इंटरेस्ट। कल का भाई फ़ायदा हुआ है, मैंने जो वीडियो बनाया था अक्षय फैंस तू पढ़ो बुक माँ शो के इंटरेस्ट पे, कुछ लोगों ने भी बनाया होगा यूट्यूब पे, बहुत से लोग बनाते हैं, पर मैं बोला था कि बहुत मैटर करता है ओपनिंग, तो लोगों ने सुनी बात यार, थैंक यू यार। आई मीन अच्छा लगता है कोई सुनता है। 69.4K इंटरेस्ट, ये बढ़ाओ यार ये बढ़ाओ, मस्त अच्छा लगा देख के। तो यार मैं अक्षय का ही क्यों नाम ले रहा हूँ बार बार, सॉरी यार। टाइगर फैंस प्लीज़ टूट पड़िए, आप भी गलती हो गई माफ़ कर देना यार। नहीं यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज भी याद है वॉर मूवी को भाई जितना टाइगर फैंस ने सपोर्ट किया था ना वो नहीं जाती उतना तगड़ा भाई। ऋतिक के फैंस की हमने देख ली कि वो कितने ही ज़्यादा सपोर्टिव है, फाइटर की हालत देख लो तुम, उतने सपोर्टिव ऋतिक फैंस नहीं है भाई जितने टाइगर के फैंस है। सच बोलो तो अक्षय के भी फैंस शायद उतने सपोर्टिव नहीं है, वो भी बहुत इसके रिव्यू भाई उसने ये बोला उसने ये बोला, भाई दिल से सामने से जाना चाहिए मूवी को, कोई बोल कोई ये नहीं कि भाई इसके रिव्यू का वेट करेंगे उसके रिव्यू का बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं चाहिए। ये कौन से फ़ैन हो भाई, बात ये रहती कि कोई भी यूट्यूबर कितना अच्छा ही बोले या बुरा बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फर्स्ट डे जाना है, नहीं हो पाएगा बिजी हो सेकेंड डे थर्ड डे, लेकिन किसी के रिव्यू के कहने से कि वो बोल रहा है मत जाओ, तो अगर आप बोल रहे हो कि चलो यार ये बंदा बोल रहा है मत जाओ तो भाई मैं भी नहीं जाऊँगा, तो भाई इसको फ़ैन बोलते हैं क्या, सोचना इस बारे में। और ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अक्षय टाइगर दोनों के फैंस को, ये मेरा संदेश है सॉरी मैसेज है। चलो टेक केयर एंड हैप्पी रंगपंचमी।